भाई परेशान लग रहा हूँ, परेशान लग रहा हूँ यार। एक हफ्ते से लॉकडाउन हो चुका है और मैं घर में बंद हूँ। घर में बंद रह के मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है इस मोबाइल से और इसी मोबाइल पे आके खत्म हो जाती है। एक बात बता मुझे। क्या बात? तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी ट्रेन की तरह हो गई है? नहीं तो यार, ट्रेन में भी तो ऐसा होता है, बंदा बाथरूम जाता है, अपनी सीट पे बैठ जाता है और दादा अखबार पढ़ लेता और हिलता रहता। हमारी जिंदगी ना ट्रेन का एक सफर बन के रह चुकी है। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, एक दो हफ्ते की तो बात है, फिर उसके बाद खुल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब। अरे यार मसला ये नहीं है कि मैं घर में बंद हूँ, मसला ये है कि मैंने 15 दिन से कश नहीं लगाई और मुझे बहुत तलब हो रही है। अगर मैंने कश नहीं लगाई ना तो मैं तो मर जाऊँगा यार। तो बाहर जाके पियो ना। बाहर जाके पी लो, अभी तो मेरा भाई है या दुश्मन है? अगर मैं गलती से भी बाहर चला गया ना तो बाहर खड़ी हुई है पुलिस और मैं उनके हत्थे चढ़ गया तो वो मुझे कुत्ते की तरह कूटेंगे और होगा कुछ नहीं, मैं पीछे हाथ रखे घर वापस आ जाऊंगा। और रही बात फ्लैट की, अगर मैंने फ्लैट में सिगरेट पीने की कोशिश की ना तो यहाँ पे किसी अब्बा के दोस्त ने देख लिया तो वो सीधा पहुंचेगा अब्बा के पास, अब्बा को शिकायत करेगा और मुझे घर से निकलवा देगा। सही के मशवरे दे यार। अरे भाई ये गैलरी दिख रही है? हाँ। तो यहाँ पर पी लो ना, इस गैलरी में लगा लो हाँ, ताकि अम्मी आए मुझे देखें और मुझे घर से निकाल दें। हाँ सही मशवरे दे रहा है बेटा तू। अरे भाई तो हम किस लिए बैठे हुए हैं, जैसी अम्मी आएंगी इशारा कर दूंगा बाहर आ जाना, सिगरेट पियो अभी जाके। हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन 200 रुपये लूंगा। अरे तू पैसों की क्यों टेंशन ले रहा है यार, पैसे मैं तुझे दूंगा ना, लेकिन तूने आइडिया कमाल कर दिया। देख सही से निगरानी करियो, मैं जा रहा हूँ ठीक है, सीटी मार दियो। एक तो साला लॉकडाउन ने भी ना मेरी जिंदगी मजाक बना दी। दानिश खाना खा लो आके। आ रहा हूँ अम्मी। बे यार अजीब मुसीबत है, वंडर चैन से सिगरेट भी नहीं पी सकता। अरे दानिश बेटा खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ अम्मी, बोला ना आ रहा हूँ। कर क्या रहे हो? अम्मी बस वो एक दोस्त से कॉल पे बात कर रहा हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है जल्दी आओ। साला सिगरेट की खातिर कितनी टोपियां करानी पड़ रही हैं। बेटा दानिश तुम्हारा मोबाइल तो बाहर रखा हुआ है, तुम बात किससे कर रहे हो? मेरा मोबाइल? शिट यार। दानिश मर गया। दानिश भाई पी ली। लॉकडाउन यार। मोटू आजा चेस खेलते हैं। यार अभी मिशन खत्म करके आता हूँ। अबे यार तू तो इसमें लगा रहेगा सारे दिन, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं तो बोर हो रहा हूँ। अरे यार तुम एक काम करो, गाना गा लो ना। गाना गा लो? हाँ ये अच्छा मशवरा है, लेकिन कौन सा गाना गाऊँ? आसमां को जमी, ये ठीक है? हाँ हाँ बेहतरीन है। चलो सही, ये गाता हूँ। आसमां को जमी ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। अबे यार रात के 2 बज रहे हैं अभी, इस वक्त कौन आ गया, पूरा गाना खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ अंकल? बरखुरदार तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? अब्बू तो सो रहे हैं। अब्बू सो रहे हैं? फ्लैट के सारे लोगों को तुमने जगाया हुआ है, ये बताओ क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अंकल मैं गाना गा रहा था। कैसा गा रहा था? कैसा गा रहा था? इस कदर वाहियात किस्म की आवाजें यहाँ से नमूदार हो रही हैं, मैं सोते से उठा हूँ पहले तो मैं ये परेशान हुआ कि ये आवाजें इतनी वाहियात किस्म की निकल के आ कहाँ से रही हैं।
मैं गया अपने कमरे की खिड़की से झांक के देखा, मुझे लगा शायद फ्लैट के बच्चे मेरी खिड़की के साथ कोई गधा बांध कर चले गए और वो ढेंचू ढेंचू करके आवाजें निकाल रहा है, और उसकी आवाजों से ऐसा लग रहा है कि अपनी बरादरी के बाकी गधों को भी इकट्ठा करके जलसा करने का इरादा रखता है। दुनिया इस वक्त अल्लाह अल्लाह कर रही है, तौबा इस्तगफार कर रही है, नमाज रोजे में लगी हुई है, तुम तो पूरा मीरासी का खानदान इकट्ठा कर बैठे हो यहाँ पर। और मियाँ अब आवाज आई ना तो यूनियन ऑफिस में जाके सीधा कंप्लेन करूंगा, उसके बाद सुबह तुम्हारा जलसा वो निकालेंगे फिर वहां, समझ गए ना बरखुरदार? जी अंकल। ठीक है, चलो शुक्र है चले गए अंकल। भाई गेट पे कौन था? लॉकडाउन। दो तीन चार 501 सही जा रहा है यार, मुझे देखा नहीं कि 5 के बाद डायरेक्ट 501 पे पहुंच गया, बड़े मजे लगे मैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास बैलेंस है? नहीं बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस नहीं है क्यों, कोई काम है क्या? अबे यार मैं घर में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा सवेरा से ही बात कर लूँ। थर्ड फ्लोर पे रहते हैं सवेरा वाले, जाके बात कर लो। हाँ ये अच्छा आइडिया, उसके घर ही चला यार। यहाँ बा किससे मिलने का है? अंकल सवेरा से मिलना है। ये सवेरा से मिलना है, ये क्या काम है सवेरा से? अंकल असाइनमेंट के सिलसिले में कुछ काम था। एक कौन सा असाइनमेंट है? इस वक्त पूरे मुल्क का भविष्यत का बंद पड़ा हुआ है, मस्जिद बंद है, मदरसा बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, एक तेरा कौन सा असाइनमेंट है? अंकल सिर्फ 10 मिनट का काम है, प्लीज उसको बुला दें। ए मेरे को अंकल नहीं बोलने का, मेरे को सेठ मोती वाला बोलने का, मेरा मोतियों का बहुत बड़ा कारोबार है शिकारपुर के अंदर। अच्छा सेठ मोती वाला साहब प्लीज सवेरा को बुला दें। ए टेंशन नहीं लेने का, बुलाने का बुलाने का। ए सवेरा बेटे। आई पापा। ए दो मिनट दो मिनट, पहले मेरे को हाथ तो दिखा। ये ले अंकल। पहले इसको लगा ले। अंकल आप तो बहुत अच्छे आदमी है, सैनिटाइजर से मेरा हाथ साफ करा रहे हैं। हाथ साफ हो गया? जी अंकल। ए अब ये दो सिगरेट तो दे सेठ मोती वाला को। पिला रहा हूँ अंकल। ठीक है माइंड नहीं करने का। अंकल माइंड नहीं कर रहा हूँ, प्लीज सवेरा को बुला दे। टेंशन नहीं लेने का, बुलाने का। ए सवेरा बेटे। आई पापा। ए दो मिनट। ए तेरे पर जैकेट तो बहुत जच रहा है, इस जरा सेठ मोती वाला को तो दिखा कैसी लगती है। ये ले अंकल, लेकिन जल्दी चेक कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी लग रही है सेठ मोती वाला पे, ये तो जच रही है। ए बस तू समझ, तूने ये सेठ मोती वाला को जो है तोहफे में दे दिए। ए माइंड नहीं करने का। अरे हाँ हाँ अंकल आपको तोहफे में दे दिए, लेकिन आप सवेरा को बुलाते हैं। ए टेंशन नहीं लेने का, बुलाने का। ए सवेरा बेटे। आई पापा। ए दो मिनट। ए आजकल तू टीवी पे न्यूज नहीं देखता, और डॉक्टर क्या बोल रहा है सोशल डिस्टेंस के लिए? ए कितना फासला रखना है? अंकल तकरीबन 6 फीट। तो इस वक्त कितना फासला है? 1 तो 3 फीट। फिर 3 फीट तो फासला बढ़ाने का, सोशल डिस्टेंस बनाने का। ठीक है अंकल, अब ठीक है। माइंड नहीं करने का। भाई क्या हुआ, मिल के आ गए? लॉकडाउन। यार मोटू किन चक्करों में लगा हुआ है, क्या कार्टून बन के सेल्फियां लिया जा रहा है यार। यार मैं ना बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत तलब हो रही है, मुझे सिगरेट पीनी है, और अम्मी ने गैलरी में भी ताला लगा दिया है, कोई सेटिंग बनाना यार। अब कोई तरकीब नहीं है मेरे पास। क्या मतलब यार? अब तो भाई अब गैलरी में भी हम पकड़े गए। हाँ उसके बाद अब एक ही तरकीब बची है बोरियत भगाने की। क्या? अब मैं वीडियो बनाता हूँ, आप डांस करो। मोटे एक काम कर, मैं डांस कर रहा हूँ, तू ना म्यूजिक चेंज करता रहियो। ठीक है स्टार्ट कर।
पार्टी शुरू हुई है। थक गया यार। ओए अब तू डांस कर, मैं वीडियो बनाता हूँ। चल स्टार्ट हो जा। किसकी कॉल आ गई? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या धमा चौकड़ी मचाई है, धम 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 धम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई जलजला आ गया। आप बोल कहाँ से रहे हैं? अरे आपके नीचे से बोल रहा हूँ। जो आपकी जमीन है ना वो मेरी छत है, और जो आप लोग धम धम कर रहे हैं ना उससे पूरी मेरी नींद खराब हो रही है। आधी रात को उठा दिया। अरे बच्चे होंगे, खेल रहे होंगे। बच्चे? अरे बच्चे हैं कि कुत्ते के बच्चे हैं, बल्कि कुत्ते के बच्चे भी थोड़ा ख्याल कर लेते। तुम्हारे बच्चों में तो ख्याल ही नहीं है आंटी। आंटी किसको बोला? आंटी नहीं तो तुम्हें आगे आंटा बोलूं? शक्ल देखो अपनी। आंटी होगी तेरी माँ। बेगैरत, ये क्या उछल कूद लगा के रखी है? पूरा पूरा महल्ला मुझे गालियां दे रहा है। अम्मी मैं नहीं, भाई भी डांस कर रहे हैं। भाई डांस? वो तो बेचारा मेरा मासूम बच्चा सो रहा है, तुम उसमें झूठा नाम लगा दो। स्टे होम स्टे सेफ।